कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। सो गाइस, मुझे पता है कि मैं काफी टाइम बाद व्लॉग शूट कर रही हूँ, बट अभी हूँ मैं दिल्ली में, क्योंकि मेरे कपड़ों से पता चल रहा होगा मैंने ऐसे ऐसे कपड़े पहने, तो मतलब मैं दिल्ली में हूँ। और गाइस, आप सोच भी नहीं सकते मुझे इतनी ज्यादा ठंड लग रही है, इतनी ज्यादा ठंड लग रही है ना, ये कपड़े भी मुझे से प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे मेरे बॉडी को, इतनी ज्यादा ठंड लग रही। तो अभी हम जा रहे हैं सरोजिनी मार्केट, तो वहाँ जाके मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। तो जल्दी से हम कैब कर लेते हैं, गाड़ी लेके नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पे पार्किंग नहीं है और हमें कुछ पता भी नहीं है। तो चलो चलते, मैंने बहुत सारा बोल दिया और मैं थकी भी नहीं। स्वागत तो करो हमारा। A few moments later. तो अभी हम सरोजिनी मार्केट पहुंच गए और फिर हमें पता भी नहीं कि अंदर कहां से जाते हैं, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम आए। तो चलो चलते हैं, आपको भी लेके चलते हैं। ये लिया और गाइस, तो सारे कपड़े आपको घर जाके दिखाऊं, क्योंकि यहां पे मुझे पॉसिबल नहीं हो रहा है सब शूट करने के लिए। तो पहले लेते हैं सब, जाके दिखाते हैं। इतनी ठंड है कि मुझे शॉपिंग करने का दिल भी नहीं कर रहा है। एक बैग लेके मैं परेशान हो गई हूँ, बट यहाँ पे बहुत सारे कलेक्शन है, बहुत अच्छे अच्छे भी है, पर ठंड बहुत लग रही है मुझे, क्योंकि हमें इतनी ठंड की आदत भी नहीं है और ना अच्छा भी नहीं लग रहा है मुझे यहाँ पे शॉपिंग करना। देखते कुछ मिलता है, क्योंकि हमें लेट बहुत हो चुका है, अभी बज रहे हैं 10 बज रहे, तो इसलिए हमें लेट हो गया। तो सारी चीजें बंद हो जा रही है और जो मुझे चाहिए वो मुझे दिख भी नहीं रहा है। तो चलो देखते, अगर मिला तो मैं आपको बताती हूँ, नहीं मिला तो भी बताती हूँ। सुस्ते ही थी तब, देखो दिख रहा है कितना ठंड लग रहा है मुझे। वैसे सिगरेट तो पीती नहीं हूँ, बट ये करने मुझे बहुत अच्छा लगता है। खोलना है मैडम, प्लेस बड़ा है क्या? कोलर बना ले, कोलर बना ले मैडम। लॉन्ग लॉन्ग तो गाइस ये देखो, बट ये लेंथ कुछ ज्यादा है, मुझे लेंथ थोड़ी सी शॉर्ट चाहिए, मतलब क्योंकि जीन्स के ऊपर पहने के ना तो ये समझ नहीं आएगा, इसमें थोड़ी और शॉर्ट लेंथ नहीं है। गाइस दिल्ली में आओ और दिल्ली के मोमोज ना खाओ, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। देखो इतने गर्म है मोमोज और तो भी हमें कुछ नहीं लग रहा है, ठंडे लग रहे, वाव लग रहे। सिगरेट पी रहा हूँ ना मैं, मेरा भी दिखा लो। So guys, finally, मेरी शॉपिंग हो चुकी है। शॉपिंग मतलब मैंने बहुत थोड़ी सी की, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था और काफी सब बंदी हो चुकी है। तो चलो जल्दी से घर पे चलते हैं। मैंने कंट्रोल ही नहीं होने चुकी, इतनी ज्यादा ठंड लगती थी, तो अभी मुझे दुनिया में सबसे कम ठंड लगती है, कुछ नहीं है ज्यादा नहीं। तो अभी चलो जल्दी से घर पे चलते हैं, आपको दिखाती हूँ कुछ मैंने खा के लिया, बट कुछ ज्यादा नहीं लिया और बहुत ठंड है दिल्ली में, घर से मतलब होटल चलती थी। अभी हम कैब कर रहे हैं, फिर हम कैब से घर पे जाएंगे, फिर मैं खाना खाने जाऊंगी और फिर मैं आज बताऊंगी कि मैंने पूरा क्या किया। पूरा दिन मतलब अभी तो एक ही घंटा हुआ है जो मैंने शॉपिंग स्टार्ट की है, तो शॉपिंग तो हो गई, अभी घर पे जाते खाना खाते और बता दे। हमारी कैब अभी तक नहीं आई और मैंने साइकिल की हुड़ी हड़प ली। गई मुझे इतनी ज़्यादा ठंड बज रही है ना, आप सोच भी नहीं सकते। देखो मैंने आज तक जिंदगी में कभी सिगरेट नहीं पी है, मतलब सिगरेट को ऐसे लिप्स तक भी नहीं लगाया, बट मुझे ये करने बहुत अच्छा लगता है, अलग ही मजा है। इतनी ठंड है दिल्ली में, एक्सट्रीम लेवल ठंड है, मतलब एक्सट्रीम लेवल की मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है जरा सी भी ठंड, और हमारी कैब भी नहीं आ रही है, कब आएगी कैब वाले भैया पता नहीं। तो गाइस आज डे 2 है और सॉरी गाइस मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई थी, क्योंकि हम रात में आए और मैं डायरेक्ट सो गई, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, धूप नहीं ठंड लग रही थी, तो हम सो गए थे। तो अभी डे 2 है, अभी हम जाएंगे दिल्ली के दरगाह और उसके बाद हम नहीं बताऊंगी, तो आप स्टे ट्यून की आपको पता चल जाएगा हम कहाँ जाने वाले। और अभी हमारा चेकआउट हो चुका है, तो चलो चलते हैं। हम दरगाह गए थे, बट दरगाह में इतनी सारी भीड़ थी और बहुत ज्यादा क्राउड भी था, तो हमने वहाँ पे क्लिप्स नहीं लिए क्योंकि मैं फोन भूल गई थी गाड़ी में। तो अभी हम खाने के लिए रुके और फिर हम पहुंचेंगे, अभी और 10 घंटे तो लगेंगे, तो जैसे मैं पहुंच जाऊंगी मैं आपको दिखाऊंगी।
सो गाइस अभी हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। पता नहीं यहाँ का क्लाइमेट कैसा है, बीच में गर्मी हो जाती है, बीच में ठंड हो जाती है, फिर हमें समझ भी नहीं आता है हम आउटफिट कैसे मतलब तैयार करें और कैसे क्या करें। तो अभी हम जाने वाले हैं मतलब बीच रास्ते में, अभी हम रुके थे ना, अभी हम गाड़ी में आ गए ना, अभी हमें गर्मी लग रही, अभी हम खाना खा रहे थे ना तो हमें ठंड लग रही थी, है ना दीदी? हाँ, तू जो बोलेगी वही। तो बीच रास्ते में ना भूपेंद्र जोगी नहीं ये कट करना साहिल, ये किसका नाम नहीं लेने का रहता। अरे मीम से भैया। सो गाइस चलो और फिर हम पहुंच के बताते कि हम कहाँ गए, तब तक आप गेस कर लो कमेंट में जाके, जाओ जल्दी से। गाइस आप बोलोगे कि बस मैं आती हूँ, बोलती हूँ, चली जाती हूँ और आपको कुछ दिखाती भी नहीं हूँ, तो मैं गाड़ी में आपको क्या दिखूँ, मैं गाड़ी में तो बस बैठी हुई होती हूँ। तो अभी हम रुके चाय पीने के लिए और ये बिस्किट मैंने लास्ट जहाँ पे हमने लंच किया था ना वहाँ से लिया था, तो मैं इसी के साथ चाय खाऊंगी। ये बिस्किट नहीं है लेकिन कुछ और है देखना, तो हम यही से बिस्किट लेंगे। मैं बहुत ज्यादा बोर हो चुकी हूँ, बहुत मतलब बहुत ज्यादा, पर चलो चाय पीते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं अभी होटल में और मैं दिखाती हूँ आपको, दूर से देखना, आउटफिट को इग्नोर करना क्योंकि गाइस हिल्स में तो घूम नहीं सकते यहाँ से वहाँ, और फिर मैंने निकाल के रख दिए। बट होटल तो अभी हम अंदर नहीं गए, अंदर जाके मैं आपको होटल का टूर दिखाती हूँ, तो चलो चलते हैं। रूम टूर दिखाती हूँ, नहीं पूरा होटल टूर दिखाती हूँ, चलो जल्दी से चलते। और यहाँ पे कितना 14 डिग्री सेल्सियस है, मतलब कितनी ठंड है अकॉर्डिंग टू पुणे, बहुत ज्यादा ठंड है। तो अभी हमारे कपड़े देखो, वाह 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 वाह, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, चलो चलते हैं। तो अभी हम आए पुष्कर में, अजमेर में। ये हम कब से ट्रेवल कर रहे हैं, कल सुबह से नहीं परसों, कल सुबह 10 तारीख से हम सुबह से ट्रेवल कर रहे हैं और फाइनली हम पहुंच चुके। इसने हमारा बहुत साथ दिया, प्यार है हम इनसे बहुत ज्यादा। और हम आए हैं, हम पूरे लोग आए हैं मिला के 12, ये एक हमारी गाड़ी है वहाँ पे भी एक है, और हमने बहुत सारी मस्ती की आते आते, हमें बहुत मजा आया। इस मेरी फर्स्ट ट्रिप है जो मैंने कार में इतना ट्रैवल किया, मेरी बैक भी पेन हो रही थी, बट है ना हमारी कार ऐसी बेड हो जाती है, तो हम सो के आए हैं मस्त। बट जो गाड़ी चलाता है उन्हें ही पता है कि महाराष्ट्र के इस कोने से, महाराष्ट्र नहीं इंडिया के इस कोने से इस कोने आने में कितना टाइम लगा। अभी हम जाएंगे होटल में और फिर उसके बाद हम जाएंगे दरगाह में, मैं आपको दिखाऊंगी, मैं जल्दी से बाल बांधूंगी और फेस कवर करूंगी और फिर जाऊंगी, तो चलो चलते हैं। सो गाइस अभी मैं आपको रूम टूर कराती हूँ। ये वॉशरूम है, ये कबाड़ है, इसका कुछ नहीं, बट ये एरिया देखो कितना क्यूट है ना। तो ये हमारा रूम टूर था, आप देख सकते हो पूरा यहाँ पे इतनी फ्रेश वाइब आ रही है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, वाह।